hello students today we are going to discuss about our next chapter that is money it is also discussed by you people you, are, you have studied about in your 10th standard money and banking the same concept is here as you know that prior to monetary system there was a barter system prevailing in the economy that was the system in which goods are exchanged for goods that is called CC economy. That is called the barter system in which goods were exchanged for goods. But there were so many limitations of that very system in the present system. It is not applicable because there are a lot of problems like problem of double coincidence of wants, problem of lack of storage of value, lack of unit of account yeah lack of transfer of value, standard for deferred payments, these are the various limitations in the barter system due to which we have to change the system we converted from the barter system to monetary system. Now the money is a medium of exchange. all the transactions are exchanged by money through money for money. So what is money? Basically the question is what is money? Money is anything which is considered as medium of exchange which can be used as store of value which can be used for standard for deferred payments which can be used for unit of account so in this very chapter we are just concerned with what is money supply and what are its explain m1 measurement the only question is there in the syllabus of CBSE plus 2 2020 so what is money supply मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड द पीपल ऑफ द कंट्री एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट्स अ स्टॉक कंसेप्ट स्टॉक कंसेप्ट होता है जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मापा जाता है तो यहां पे जो मनी सप्लाई की डेफिनेशन है मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई अब इसमें द मेजर इंपॉर्टेंट इश्यू इज एम वन मेजरमेंट वट इज एम वन मेजरमेंट अंडर द एम वन मेजरमेंट वी कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स एज मनी सप्लाई लाइक सी प्लस डी डी प्लस ओडी नाउ व्हाट इज सी सी स्टैंड फॉर क्वाइंस एंड करेंसी नोट्स विद द पब्लिक क्वाइंस एंड करेंसी नोट्स अब क्वाइंस और करेंसी नोट्स में जितने भी क्वाइंस हैं और उससे लेके दो हजार रुपए तक के नोट जितने भी हैं वो सभी के सभी जो हैं मनी सप्लाई में कंसीडर किए जाते हैं दूसरा कंसेप्ट है डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं वो डिपॉजिट्स जो कि हम बैंक में जमा कराते हैं जिनको हम चेक के थ्रू निकलवा सकते हैं द मनी विच इज डिपोजिटेड इन टू द बैंक एंड दैट कैन बी विथड्रॉन थ्रू द चेक दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपोजिट्स तो डिमांड डिपॉजिट को इसमें कंसिडर किया जाता है और तीसरा है अदर डिपोजिट्स विद दी बैंक या आर बी आई अदर डिपोजिट्स में क्या आता है किसी भी देश की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगर कोई मनी सेंट्रल बैंक के पास डिपोजिट कराई गई है उसे हम अदर डिपॉजिट्स में कंसिडर करते हैं लाइक यू टी आई ये जो ऐसी वित्तीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ये अगर मनी कोई जमा कराती हैं, तो उसको हम अदर डिपॉजिट्स में शामिल करते हैं इन द वेरी सेम मैनर मनी डिपॉजिट डिपॉजिटेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक कोई वर्ल्ड बैंक ने या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसका हम आई बोलते हैं उन्होंने अगर सेंट्रल बैंक के पास आरबीआई के पास कोई फंड्स डिपॉजिट कराए हुए हैं तो उसको भी हम अदर डिपॉजिट्स में इंक्लूड करते हैं इसके अलावा जो दूसरे देशों की सेंट्रल गवर्नमेंट हैं या दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने अगर कोई डिपॉजिट्स आरबीआई के पास जमा कराए हुए हैं तो उनको भी हम नेशनल इसमें मनी सप्लाई में एम वन मेजरमेंट में शामिल करते हैं तो हमें इस चैप्टर में सिर्फ इतना सा ही करना है व्हाट इज मनी सप्लाई एंड व्हाट वन एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एम वन मेजरमेंट वैसे चार मेजरमेंट होते हैं एम वन एम टू एम थ्री एम फोर बट हियर वी जस्ट हैव टू कंफाइंड टू ओनली द एम वन मेजरमेंट तो एम वन मेजरमेंट में सी प्लस डी डी प्लस ओडी यही कंसेप्ट इसमें आते हैं इसके अलावा M2 टू मेजरमेंट भी मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें और M3 थ्री मेजरमेंट भी दिखा रहा हूँ एम फोर मेजरमेंट भी दिखा रहा हूँ बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट ऑल दैट वी जस्ट हैव टू कंसिडर अबाउट द एम वन मेजरमेंट सो इसके दो ही क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कोई ज्यादा नहीं है आप बड़े ध्यान से इसे पढ़िए स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन आस्क थ्रू योर व्हाट्सएप थैंक यू सो मच